Assalamualaikum friends, welcome to our new video. तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि TikTok एजेंसी अकाउंट आप कैसे बना सकती हो, TikTok एजेंसी अकाउंट पाकिस्तान में बन भी सकता है या नहीं बन सकता है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आपके साथ मैं एक न्यूज़ भी शेयर करने वाला हूँ जो कि TikTok की नई पॉलिसी आई है। ये पॉलिसी क्या कहती है इसकी डिटेल भी इसी वीडियो में हम जानेंगे और आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान में अकाउंट बनाना सेफ है या नहीं सेफ, क्या आप गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई वक्त जाया किए, तो वीडियो को अपने लास्ट तक देखना है ताकि हर चीज आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो गाइस सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जो टिकटॉक की नई पॉलिसी आई है उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं। 23 मई के बाद ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो न्यू पॉलिसी है, 23 मई के बाद पाकिस्तान में कोई भी टिकटॉक एजेंसी अकाउंट नहीं बनेगा। और ये कैसे बनता होता है इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये पाकिस्तान में आप इसे क्रिएट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ता है, आपको फॉरेन कंट्री से अगर कोई आपका रिलेटिव है उससे चाहिए कि वो अपना अकाउंट बनाए, फिर आप उसे पाकिस्तान में अपनी ईमेल पर यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि जो अंग्रेज होते हैं जो बनाते हैं अकाउंट पाकिस्तान में, आप किसी के थ्रू अकाउंट बनवा सकते हैं जो कि इसका काम करता है, उसके थ्रू आप अकाउंट बनवा सकते हैं और वो उनसे बात करता है क्योंकि उनका एजेंसी अकाउंट बना होता है और वो उनसे बात करके आपका अकाउंट बना देते हैं, इस तरह अकाउंट बनते हैं। और ये जो नई पॉलिसी आई है इसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आज के बाद अकाउंट नहीं बनेंगे। इसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको भी पता है कि हर कोई अगर कोई चीज़ अच्छी आ जाए तो उसका उल्टा फ़ायदा उठाता है। इसी वजह से जो बहुत सारे मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स की वीडियो आपने देखी होंगी, नॉन कस्टम मोबाइल्स तो कमरे बड़े होते हैं मोबाइल्स के, तो इसकी एड्स लग रही हैं बहुत ज़्यादा और ये स्कैम में आता है क्योंकि ये टिकटॉक जो है पाकिस्तान की ऐप नहीं है, ये चाइना की ऐप है। वो जब वीडियो हम लगाते हैं तो एक एक चीज़ को रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, बाकायदा जब चेकिंग होती है उसके बाद अगर वो थोड़ी बहुत भी उनको शक हो तो वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं और अकाउंट को भी सस्पेंड कर देते हैं। इसीलिए वो आज के बाद पाकिस्तान में एजेंसी अकाउंट नहीं बनाएंगे और जिनके पास भी हैं अकाउंट एजेंसी अकाउंट जो अपने काम कर रहे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता सस्पेंड हो रहे हैं। ज़रा सी भी मिस्टेक से वो अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि इसी वजह से वो पाकिस्तान में इसका काम बंद करने वाले हैं। तो आपको मैं एक मशवरा ये भी देना चाहता हूँ कि आप अगर अकाउंट बनवाना चाहते हैं या अगर आप बना रहे हैं तो आपने अभी थोड़ा सा वेट कर लेना है ताकि टिकटॉक की नई पॉलिसी आ जाए, थोड़े से हालात ठीक हो जाएं। लेकिन अगर आप अब अकाउंट बनाते हैं तो आपको मैं कहता हूं कि आपको नुकसान होने वाला है क्योंकि पहली तो बात बनेगा नहीं, अगर बन जाता है तो आपका डॉलर ऐड नहीं होगा जिसे हम टॉप अप कहते हैं। अगर टॉप अप ये ऐड करा लेते हैं, अभी आपने न्यू अकाउंट बनवाया होता है, आपको नहीं पता होता है किस तरह की वीडियो लगानी है किस तरह की नहीं लगानी, ज़रा सी भी मिस्टेक, एक दफ़ा भी वीडियो आपकी रिजेक्ट होगी तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे और जो आपके डॉलर होगा उसके अंदर वो भी ज़ाया हो जाएगा, इससे आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ये वीडियो बनाकर आपको बताऊं कि आप अभी फिलहाल अकाउंट ना ही खरीदें और ना ही बनाएं, क्योंकि बहुत सारे अब अकाउंट सेल भी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में नुकसान होने वाला है और अकाउंट सेल कर रहे हैं, सस्ते रेट में सेल कर रहे हैं। लेकिन आपने अकाउंट अभी नहीं लेना और अभी इंतज़ार करना है ताकि कोई अच्छी सी पॉलिसी न्यू आ जाए और फिर से अकाउंट बनना तैयार हो जाए पाकिस्तान में। तो मैं कहता हूं कि आपने अभी अकाउंट नहीं खरीदना और ना ही बनवाना है। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप अपनी वीडियो प्रमोट करवाना चाहते हैं तो आप जिसके पास टिकटॉक एजेंसी अकाउंट है उसके पास जा सकते हैं, उससे रब्ता कर सकते हैं कि मुझे अपनी वीडियो प्रमोट करानी है, तो आप उससे प्रमोट करवा सकते हैं। आपको कोई रिस्क भी नहीं होगा, रिस्क उसके सामने होगा, अगर सस्पेंड भी होती है तो उसका अकाउंट ही सस्पेंड होगा। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप गूगल एड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा तरीका होता है लेकिन वो आपको जानना होगा। गूगल एड्स पर भी मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो के आपको समझ आ गई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लेकर आता रहूंगा। टिकटॉक का वायरल कैसे होना है, इसके अलावा बगैर किसी टिकटॉक एजेंसी अकाउंट के प्रमोट करवाने के अलावा भी आप टिकटॉक पर अपनी वीडियो वायरल करवा सकते हैं, तो इस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊंगा कि आप अपनी वीडियो को कैसे वायरल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट चैनल के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक यही था, वालेकुम सलाम।